और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संसद के 8 विभागों की समितियों का पुनर्गठन हुआ है। राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर ने पुनर्गठन किया है। पी चिदम्बरम को गृह विभाग की समिति मिली है, वहीं भट्टाचार्य के स्थान पर नामांकित किया है चिदम्बरम को। अधीर रंजन चौधरी को भी गृह विभाग समिति में जगह मिली है। जयराम रमेश को पर्यावरण मामलों की कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। और ऐसे में देखिए, समिति का पुनर्गठन हुआ है जिसमें तमाम नाम शामिल है। संसद के 8 विभागों की समितियों का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर ने यह पुनर्गठन किया है। पी चिदम्बरम को गृह विभाग की समिति में जगह मिली है, वहीं भट्टाचार्य के स्थान पर नामांकित किया गया है चिदम्बरम को। अधीर रंजन चौधरी को भी गृह विभाग की समिति में जगह मिल चुकी है। बात की जाए जयराम रमेश की, जयराम रमेश को पर्यावरण मामलों की कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। और देखिए बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट लगातार पॉजिटिव आपको दे रहा है। संसद के 8 विभागों की समितियों का पुनर्गठन हुआ है। इसमें राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर ने ये पुनर्गठन किया है। बात की जाए पी चिदम्बरम को, उन्हें गृह विभाग की समिति में जगह मिली है। और हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी है। अदिति, इस पुनर्गठन को किस तरह से देख रही है, तमाम नाम इसमें शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, तो आप अगर कोई भी फैसला होता है तो इस तरह से देखा जाता है कि ये राजस्थान के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर नाम जो है, सबसे पहले जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हुई है, राज्यसभा की हुई है, तमाम जो पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी है उस पर कॉमर्स में मनोज राजौरिया है, राजस्थान से सांसद है, और भी तमाम नाम है, लेकिन अगर राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण है, डब्ल्यूसीडी में घनश्याम तिवारी हैं, बाबा बालकनाथ हैं, मेरे सांसद यहाँ पर हैं। इसके अलावा हेल्थ की बात करें तो उसमें अर्जुन लाल मीणा का नाम है, जो जयपुर से सांसद हैं। इंडस्ट्रीज की बात करें तो हनुमान बेनीवाल भी इसमें आए हैं। हनुमान बेनीवाल भले ही आरएलपी के सांसद हैं, लेकिन लगातार जो है पहले को भाजपा के साथ समर्थन में जब चुनाव में उतरे थे पिछली बार की, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें। ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट की बात करें तो राहुल कक्का जो है वो भी इसमें नाम शामिल है। तो तमाम और भी राज्यों के नाम शामिल है, लेकिन अगर राजस्थान के लिहाज से बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिहाज से देखा जा सकता है जो राजस्थान के सांसदों को दी गई। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।